आता माजी सटकली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज और आज का दिन बहुत है खास। सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल में। चलिए बात करते हैं कि आज का दिन क्यों है खास। आज का दिन इसलिए है खास क्योंकि 22 जुलाई 2011 को रिलीज होती है रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम, जिसमें अजय देवगन साहब थे। अजय देवगन साहब ने एक आइकॉनिक कैरेक्टर हमें दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में वैसे तो पुलिस ऑफिसर बहुत सारे थे, लेकिन ये जो सिंघम है ये दिल से सिंघम है, ये कलेजे वाई सिंघम है और ये कानून के दायरे में ही रहकर गुंडों को बदमाशों को सबक सिखाता है। 2011 में अजय देवगन साहब को हम पहली बार देखते हैं दोस्तों सिंघम के अवतार में और हम दीवाने हो जाते हैं। इसके सॉन्ग्स ले लीजिए, इसमें एक्शन ले लीजिए, इसमें हीरो हीरोइन के बीच में केमिस्ट्री, हीरोइन इसमें काजल थी दोस्तों, काजल अग्रवाल, जो कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार हैं, तो ये काजल की डेब्यूटेंट फिल्म भी थी। इस फिल्म ने अजय देवगन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। बिजनेस वाइज ले लीजिए, क्रिटिक्स को पसंद आने वाइज ले लीजिए, ये फिल्म हर मायनों में आगे बढ़ती है दोस्तों और हम सब के दिलों को जीत कर ले जाती है। अजय देवगन साहब को आज सुबह से ही #7yearsofsingham करके एक ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, अगर आप देखेंगे #7yearsofsingham करके, और अजय देवगन साहब को हर कोई याद कर रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से आइकॉनिक कैरेक्टर बाजीराव सिंघम को निभाया। अच्छा, इसका फिर पार्ट टू आता है जिसमें करीना कपूर खान थी और उसे भी बॉक्स ऑफिस में अच्छी सफलता मिलती है। सिंघम 3 भी आएगी दोस्तों, फ्यूचर में आएगी, लेकिन अभी रोहित शेट्टी की अगर बात करें तो रोहित शेट्टी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। दूसरे एक इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर को ला रहे हैं वो, जिसका नाम है संग्राम भालेराव। फिल्म है सिम्भा, जो कि रिलीज़ हो रही है 28 दिसंबर को। इसमें रणवीर सिंह बने हैं सिंघम की तरह, लेकिन करप्ट ऑफिसर बने हैं। सिंघम तो हमारा प्योर है, ऑनेस्ट है, लेकिन सिम्भा जो है वो करप्ट है, डिसऑनेस्ट है और डिसलॉयल है वगैरह वगैरह। और इस फिल्म में सिम्भा में दोस्तों सिंघम जी का एक सीक्वेंस भी होगा। मीडिया रिपोर्ट पूरी तरीके से भरी हुई हैं कि सिंघम एंट्री करेंगे इस फिल्म के अंदर, सिम्भा के अंदर, तो हमें सिंघम बेसिकली तीसरी बार दिखाई देंगे और वो भी सिम्भा के अंदर। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ सिम्भा के लिए, लेकिन बधाई देना चाहता हूँ आप सभी फैंस को जिन्होंने ट्विटर पर ये ट्रेंड लेकर आए, 7 years of Singham, 7 years of Singham। अजय देवगन साहब की अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात करो तो तब्बू के साथ उनकी एक रोमांटिक फिल्म आ रही है जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं लव रंजन, उसके बाद टोटल धमाल, तानाजी और बहुत सारी फिल्म्स हैं। मैंने आपको बताई है अजय देवगन साहब के बारे में कि उनका प्रोफेशनल फ्रंट क्या कर रहे हैं आजकल वो। आप लोग क्या सिंघम जो फिल्म थी उससे एक्साइटेड हुए थे 2011 में? क्या आपको सिंघम पसंद आई थी और क्या आप लोग अजय देवगन साहब को बधाई देना चाहते हैं? तो नीचे का कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरीके की सिंघम अपडेट्स के लिए मैं हूं ना यार राहुल भोज, आपका यारा, फिल्मी यारा। टेक केयर।